प्रॉपर्टीज के बारे में, तो कुछ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बता दी थी, एसिड रेसिड बेस और अल्कली टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस बेस वी गेट वाटर एंड सॉल्ट और समथिंग समथिंग समथिंग, और मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड देन वी गेट वाटर प्लस सॉल्ट, ये लेक्चर में हमने बताई थी। और उसके अलावा मैंने आप लोग को बताया था मेटल प्लस एसिड वी गेट हाइड्रोजन प्लस। नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। अगर कभी भी किसी भी मेटल कार्बोनेट को, अगर आप कभी भी किसी भी शेल पर मेटल कार्बोनेट को अगर एसिड के साथ ट्रीट करें, तो हमेशा दो चीजों की, सॉरी तीन चीजों की फॉर्मेशन होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और प्लस में सॉल्ट है। हमेशा यहाँ पर तीन चीजों की फॉर्मेशन होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और सॉल्ट बनता है, जब भी हम मेटल कार्बोनेट के साथ किसी भी एसिड को यहाँ पर ट्रीट, तो कोई भी मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, मान लीजिए NaCO और इसकी रिएक्शन को मैं करता हूँ यहाँ पर HCl, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला तो सबको पता है, इसका फार्मूला CO2 होता है, बहुत सिंपल, दैट इज द CO2। वाटर का फार्मूला होता है हमारे पास H2O, बच गया। अब CO2 यहाँ से हटा देते हैं, हमारे पास CO3 में से CO2 आ गया, यानी कि कार्बन खत्म होगा, ऑक्सीजन के दो एटम खत्म, एक बचा है, यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन एक मिलकर वाटर बना लेगा, पीछे बच जाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, और क्लोराइड फैमिली सॉल्ट फैमिली होती है, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जब हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो भैया यहाँ पर 2 लगा देते हैं, 2 HCl हो गया हमारे पास, और दूसरी तरफ हमारे पास 2 NaCl, इक्वेशन हमारे पास ही बैलेंस होगी। तो कभी भी किसी भी मेटल कार्बोनेट के अगर एसिड के साथ रिएक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, सॉल्ट बनता है, ठीक। इसको लर्न करने की निमोनिक है, दैट इज द NCA, यू गेट CWS, ठीक। तो इसको निमोनिक क्या, देखो लोग नॉर्मली क्या करते हैं, NCA करते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर PCMC करते हैं, तो उसका कंप्यूटर विंडो में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, MCA करके कंप्यूटर विंडो में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, यानी MCA CWS, MC यानी मेटल कार्बोनेट, A यानी एसिड, C यानी कार्बन डाइऑक्साइड, W यानी वाटर और S यानी कि सॉल्ट की फॉर्मेशन यहां पर हमारे पास होती है। दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। इस बार है मेरे पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन अगर मैं करता हूँ यहाँ पर एसिड के साथ, देन तब भी हमारे को यही चीजें मिलती है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलता है और सॉल्ट मिलता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, पहले मेटल कार्बोनेट था और इस बार मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं NaHCO3, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसकी रिएक्शन होती है एसिड के साथ, यानी फर्दर HCl के साथ, मैं कह रहा हूँ किसी के साथ भी हो जाए, बनेगा हमेशा सेम होता ही, बनेगा हमेशा सेम होता, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस सॉल्ट CO2 प्लस H2O और प्लस में NaCl, सिर्फ बैलेंसिंग का डिफरेंस यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास आएगा, अदरवाइज बिल्कुल सेम ही है, ये बाय डिफॉल्ट बैलेंस है, वो बैलेंस करने पड़ी थी। दूसरी तरफ सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी, एक एक जो केमिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको करके दिखा दी है, बाकी केमिकल प्रॉपर्टी जो आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है, चलिए ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन हो चुकी। This is all about the acids. तो ये acids के बारे में बातें थी। उसके अलावा acids के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं, तो हम देखते हैं जो normally acids होते हैं हमारे पास, acids का जो nature होता है corrosive nature होता है, जला के राख करते हैं, ठीक है, आप जैसे तेजाब वगैरह एसिड वगैरह यूज करते हैं टॉयलेट वगैरह साफ करने में, सॉरी टॉयलेट सीट साफ करने में, है ना, तो जब देखेंगे वो बिल्कुल क्लियर क्लीन हो जाती है, है ना, और कई बार अगर पूरा फर्श पे डालेंगे व्हाइट व्हाइट से निशान पड़ जाएंगे, जल जाते हैं, हाँ बिल्कुल लेयर जम जाते हैं, तो नेचर इससे खतरनाक होता है, कोरोजिव होता है, बर्न, ठीक है। इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह क्या होता है, जब लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, प्रैक्टिकल्स करवाते हैं, तो हमेशा केमिस्ट्री लैब के अंदर लैब कोट कंपलसरी होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि कई बार क्या किया जाता है कि लोग एसिड लेते हैं, एसिड में जब वाटर डालते हैं, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि छपा छींटे निकल सकती है, आपको जला सकते, ऐसा हो सकता है, तो हमेशा क्या करना चाहिए, पहले वाटर लेना चाहिए और उसके अंदर एसिड डालना चाहिए, समझे, इस चीज को ध्यान से रखना, ताकि
यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, किसी भी तरह का कोई भी एक्सीडेंट ना, क्योंकि एक्सीडेंट स्किन पे, क्लोथ पे, किसी भी चीज पे गिरेगा तो खतरनाक हो सकता है। एसिड्स आर नेवर स्टोर्ड, अच्छा एसिड्स को कभी भी ना मेटल कंटेनर के अंदर स्टोर करके नहीं रखते, बिकॉज दे ग्रेजुअली कोरोड, क्योंकि वो धीरे धीरे उसको कोरोड कर देंगे एंड ईट अप द मेटल कंटेनर, और उस मेटल कंटेनर को क्या करते हैं बच्चों, ईट करते हैं, यानी कि आ जाते हैं उस मेटल में। तो ये एसिड स्टोर होते हैं कंटेनर में जो नॉर्मली बने होते हैं ग्लास के, जैसे आपकी केमिस्ट्री लैब में भी ग्लास कंटेनर लेकर ग्लास के तरह की होती है, या सिरेमिक भी होते हैं। सिरेमिक समझते हैं, जैसे वो अचार रखने का मर्तबान नहीं आता, हम तो प्लास्टिक के डब्बों में रख लेते हैं कि वो अचार के मर्तबान होते हैं, वो सिरेमिक होती है ना, जो कप आती है जिसमें चाय पीते आप, वो सिरेमिक मटेरियल होता है, उसके अंदर रखे जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको मेटल से कंटेनर में रखते हैं, उसका रिएक्शन करता है, आगे काम करता है। जैसे कभी जिंदगी में गोलगप्पे खाया हम लोग, तो गोलगप्पो के अंदर एसिड होता है, पता आप लोगों को, पानी सिट्रिक एसिड होता है, खटाई डालना, आप उसको ना तांबे के लोटे में रखोगे, अगर आप उसको तांबे के लोटे में रखोगे आप देखोगे उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, और गलती से आपने पी लिया, फूड पॉइजनिंग भी उसके जान भी जा सकती है। ऐसे मेटल का रिएक्ट करता है, कॉपर के साथ वैसे रिएक्शन होती है। आप एक काम और करिए, कॉपर कंटेनर में नॉर्मल नींबू, नॉर्मल पानी, उसमें नींबू निचोड़ दो ऊपर से, आपके आपके सामने जादू हो जाएगा, पानी बिल्कुल काला हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, चेंज ऑफ कलर आपके सांसों के सामने होगा। ये काम आप घर पे करके देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह के आपके थोड़ा सा उसको चाट के भी देख सकते हैं, हल्का है कि थोड़ा उससे तो नहीं मरोगे, फूड पॉइजनिंग होगी, लेकिन हाँ आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर एसिड जो होती है मेटल कंटेनर आती है, जो हम घरों में बर्तन यूज करते हैं सर, हम तो नींबू डाल के निचोड़ के पीते हैं, हाँ हाँ उसमें जो है काला नमक डाल के, उसमें तो कुछ नहीं होता बेटे, वो स्टील का कंटेनर, वो ग्लास आपके स्टील के, और स्टील इज नॉट अ मेटल, इट इज एन अलॉय, दैट्स व्हाई हम उसको यूज कर रहे हैं कंटेनर को। ठीक है, तो ये बात हो गई। उसके अलावा जिस तरीके से एसिड हमारे पास स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसी तरीके से हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं, और ये भी कई बार क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं हमारी स्किन को, हार्म करते हैं। ठीक है, This is all about the acids. अगला टॉपिक हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, What do all acids have in common? हर एक एसिड्स के अंदर ऐसी क्या खास बात होती है जो कॉमन होती है और वो एसिडिक नेचर शो करती है यहाँ पर। तो एसिड्स के अंदर कौन सी चीज है जो कॉमन है, या ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से एसिडिक एसिडिक नेचर शो कर। तो नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, कोई भी एसिड हमारे पास, ये मान लीजिए मेरे पास है, ठीक है, ये एचसीएल, अब कोई भी हमारे पास एसिड है, और कोई भी एसिड हमेशा याद रखना एसिडिक नेचर शो करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर या एक्वस फॉर्म में, अगर वो है, अगर वो एक्वस फॉर्म में है तभी वो एसिडिक नेचर शो कर रहा है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर हम इसको वाटर के अंदर मिक्स कर देते हैं, एक्वस फॉर्म में है यानी कि वाटर इसके अंदर है, तो हमारे पास ये डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोजन आयन में और क्लोरीन, यहाँ पर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन्स यहाँ पर रिलीज हो जाते हैं, ये बात याद। तो किसी भी एसिड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कंफर्म है कि हाइड्रोजन आयन जरूर रिलीज होंगे, तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं वाटर में एसिड के डिसॉल्व करने के बाद, समझ जाना वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है, समझ जाना कि वो जो एसिड होता है हमारा उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है, जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। और उसी बेस पे हम देखते हैं पीएच स्केल के ऊपर उसकी वैल्यू भी होती है, अगर पीएच स्केल के ऊपर वैल्यू 1, 2, 3 आ रही है तो समझ लो उसको जब वाटर में डिसॉल्व कर रहे होंगे तो बहुत सारे आयंस रिलीज हो रहे होंगे, कन्फर्म। ठीक है जी, और दूसरा जब हम लोग उसको यहाँ पर अगर ड्राई एच सी एल, मान लो अगर कोई क्वेश्चन आता है कि यू हैव अ ड्राई एच सी एल, तो इसका किसी भी इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, देयर इज नो इम्पैक्ट, क्योंकि ड्राई एच सी एल कभी भी एसिडिक नेचर शो नहीं करता है, एसिड हमेशा वाटर की प्रेजेंस में ही इफेक्टिवनेस शो करते हैं। तो एन एसिड इज अ सब्सटेंस व्हेन डिसोसिएट ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं यहाँ पर, या यानी कि हम कह सकते हैं कि आयोनाइज हो जाता है। ठीक है, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, भले आप H2SO4 ले लो जी, यहाँ पर ये H2SO4 है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन आयन निकलते हैं और साथ में निकलते हैं सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव, 2 है तो चलो यहाँ भी 2 कर,
कि हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया जी, बैलेंस कर दिया। तो ये अपने पास पॉलीएटॉमिक आयन है, इसका तो जिक्र ही नहीं हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन इसमें भी रिलीज हो रहे हैं, इसमें भी रिलीज हो रहे हैं, दोनों में बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं, दोनों के दोनों मेरे पास यहाँ पर इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। मैं एच एन ओ थ्री को भी ले लेता हूँ, तीनों की करके दिखा देता हूँ यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको। वाटर के अंदर डिसोसिएट होते हैं, एस पॉजिटिव प्लस में एनओ थ्री नेगेटिव यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, तो ये हमारे पास नाइट्रेट आयन में टूट जाता है। तो इसका मतलब तीनों वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं, हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, और तीनों डिसोसिएट हो रहे हैं, हाइड्रोजन आयन बना रहे हैं, इट मींस दे शो एसिडिटी। ये तीनों के अंदर हम देखते हैं, हर एसिड के अंदर ये कॉमन चीज होती है, जिसकी वजह से वो एसिडिक नेचर यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, शो कर। मैं एसिडिक एसिड के साथ भी आपको करके दिखा देता हूँ, बीक एसिड भी ले लेते हैं मेरे पास है यहाँ पर, जिसको हम सिर्फ बोलते हैं सी एस थ्री सी डबल ओ एच, सी एस थ्री सी डबल ओ एच, और यहाँ पर इसको हम वाटर में कोई फैक्टर्स फॉर्म में लेंगे इसको भी, तो हमारे पास यहाँ पर फर्दर हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे प्लस में सी एस थ्री सी डबल ओ नेगेटिव, ये हमारे पास यहाँ पर फर्दर आयन रिलीज हो जाते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन है और एसिटेट आयन रिलीज हुए, हर बार हर कंडीशन में हाइड्रोजन आयन जरूर रिलीज हो रहे हैं, ठीक है जी। तो इट मींस दे शो एसिडिक नेचर, ये एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं हमारे पास, हर एक एसिड के अंदर ये कॉमन है, जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन समझ लो उतने ही ज्यादा हमारे पास है। अच्छा एक चीज हो रहा है कि अगर हम वाटर के बारे में बात करते हैं, वाटर के अंदर आपके हाइड्रोजन आयन चले, लेकिन वाटर में जाने के बाद कभी भी हम देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस की फॉर्म में वाटर में प्रेजेंट नहीं होते, यही हम लोग क्या देखते हैं जब वाटर में जाते हैं, तो यहाँ पर रिएक्शन करते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके ये बनाते हैं एच थ्री ओ आयन, एच थ्री ओ पॉजिटिव आयन, एच थ्री ओ पॉजिटिव यानी कि आपका हाइड्रोनियम आयन। ये हमेशा हमारे को इसी फॉर्म में मिलेंगे, एच थ्री ओ पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में, तो डिसोसिएट भले ही हुए लेकिन वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके आपका हाइड्रोनियम आयन बना देता है। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास देखिए एच सी एल है, एच टू एस ओ फोर है, एच एन ओ थ्री, तो ये तीनों के तीनों हमारे पास स्ट्रॉन्ग है, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका मतलब कि बहुत इजीली रिएक्ट करते हैं किसी के भी साथ, ठीक है। तो दे प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन विद रिस्पेक्ट टू द वाटर, जब वाटर के अंदर आयनाइज हो जाते हैं तो हम देखते हैं कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं बेसिकली वाटर के अंदर, तभी हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग एसिड। कुछ कुछ एसिड होते हैं जो पार्शली आयनाइज होते हैं, सारे हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करते, थोड़े बहुत निकलते हैं, तो हमारे पास थोड़े से वीक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, बिकॉज दे आर फुली आयनाइज्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। अच्छा ये जो वर्ड में बोल रहा है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है यहाँ पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, यानी कितने ज्यादा लेवल पर आयन क्रिएट हो रहे हैं, समझे, दैट इज द मतलब। एंड नोट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड, इसका कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं, सो ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन इन सॉल्यूशन strong acid react very rapidly with other substance, ज्यादा हाइड्रोजन आयन ज्यादा एसिडिक नेचर तो उतना ही ज्यादा रिएक्ट करेगा, जैसा मैंने बताया ना आप एसिड जो जमीन पर बिखेरते हो उसके बाद जब वहां से गायब होगा ऐसे घटाएंगे उसे, आप देखेंगे वहां पर एक वाइट कलर का पैच आ जाएगा उस एसिड की प्रेजेंस के कारण, ऐसा होगा कंफर्म होगा, ठीक है, तो यानी उतना ही जल्दी रिएक्ट कर रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर हाई एक्टिविटी, हाई जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी होती है वो भी काफी ज्यादा होती है, क्यों क्यों क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है, फ्री आयंस होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, पास करते हैं। उसके बाद में होते हैं हमारे पास वीक एसिड, अब जैसे एसिडिक एसिड है, देखो हाइड्रोजन आयन ये भी रिलीज कर रहा है बट कंपैरिजन टू दिस थ्री ये कम रिलीज कर रहा है, तो इसका मतलब कि हमारे पास ये वीक एसिड है, एसिडिक नेचर शो कर रहा है बट ये वीक एसिड है। तो हमारे पास कार्बोनिक एसिड है H2CO3 है, ये हमारे पास वीक एसिड होता है बच्चों। सल्फरस एसिड होता है H2SO3, ये सल्फरस एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड है, ये दोनों भी हमारे पास कैसे एसिड है बच्चों, ये दोनों भी हमारे पास वीक एसिड है ड्यू टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन देयर सॉल्यूशन। और ये क्या करते हैं बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, जैसे मेटल्स है, मेटल कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो इलेक्ट्रिकल इंडक्टिविटी होती है वो भी काफी कम होती है। एक चीज और सुनिएगा,
कि हाँ इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, देखो जो सोमिल आपने पूछा उस तरीके से बन सकता है। मैं कह रहा ध्यान सुनिएगा, व्हेन द कंसंट्रेशन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, कोई भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है एसिड का, एंड इज डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग वाटर, हमने उसको डाइल्यूट कर दिया बाय मिक्सिंग वाटर, वाटर मिक्स करके, देन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो कंसंट्रेशन होती है हाइड्रोजन आयन की पर यूनिट वॉल्यूम, वो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? कंसंट्रेशन जो होगी हाइड्रोजन की पर यूनिट वॉल्यूम, वो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी अगर यहाँ पर मैं उसके अंदर वाटर मिक्स कर रहा हूँ? ठीक है, आयुषी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है, समझने की बात है, आप किस तरीके समझ पाते हैं। ठीक है, कनिष्का चौहान आपका जवाब गलत है बच्चे, करण शर्मा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, डिक्रीज होगी। देखो जितने ही बच्चे इंक्रीज बोल रहे हैं, मैं बताता हूँ आपके साथ दिक्कत साइंस की नहीं है, समझने की दिक्कत नहीं है, समझाने की दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग की थोड़ी सी इंग्लिश की दिक्कत है, आप लोगों की इंग्लिश भी। मैं आपको बता दूं, चलिए बच्चों हम लोग यहाँ पर बेस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बेस जो होते हैं इनका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है, बिटर मतलब कि कड़वे, ठीक है जी, टेस्ट जो होता है इनका बिटर होता है, बिटर मतलब कि कड़वे होते हैं, एंड दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ये यहाँ पर रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, एंड फील सोपी टू टच, फील सोपी टू टच करने पर थोड़े से सोपी होते हैं, जैसे साबुन में डिटर्जेंट होती है आपका, ये सोपी होते हैं, दे आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। उसके अलावा बेस के बारे में एक बहुत अच्छी बात मैंने आपको बताई थी, हाउ वी आइडेंटिफाई बेस, कैसे पता चलता है कौन से बेस होते हैं? तो जिन भी कंपाउंड के लास्ट में मान लो यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ भी, और उसके अंदर अगर ओ एच अटैच है, तो समझ जाओ मेरे पास यहाँ पर क्या है बच्चों, वो मेरे पास यहाँ पर बेस, तो जिसके अंदर भी लास्ट में ओ एच होता है वो बेस होता है। तो सर यही बेस होते हैं जिनके लास्ट में ओ एच होता है? देखो वैसे तो और भी बेस होते हैं जिनके लास्ट में ओ एच नहीं होता, लेकिन जिन बेस के लास्ट में ओ एच नहीं होता उन्हीं बेस को हम लोग बेसिक सॉल्ट बोल देते हैं, तो हम उनको सॉल्ट के नाम से पढ़े, ठीक है, जिन बेस के लास्ट में ओ एच नहीं होता उन्हीं बेस को हम सॉल्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सर जी अगर मैं बात करता हूँ NaCl की है और NaOH, NaOH है यहाँ पे लास्ट में, OH है ये सॉल्ट है, जी हाँ बिल्कुल ये सॉल्ट, सॉरी ये बेस है, जी हाँ ये बिल्कुल बेस है क्योंकि तो इसके लास्ट में OH है। सर NaCl आपने बोला इसके लास्ट में जो है OH नहीं है, ठीक है, तो जिसके लास्ट में OH नहीं है उसी बेस को हम सॉल्ट बोलते हैं, तो ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, तो सर ये बिना OH वाला बेस है, बिल्कुल हम यही कहेंगे बिना OH वाला बेस है, और बिना OH वाले बेस को ही सॉल्ट बोला जाता है, और जिन बेस के अंदर OH होते हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पर एल्कली बोलते हैं। तो हमारे कोर्स में कौन से बेस है? बेसिकली हमारे कोर्स में एल्कली बेस है क्योंकि ये डिजोल्व हो जाते हैं और यूनिफॉर्म रिएक्शन के अंदर यूज करते हैं, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर इनको बेस के रिस्पेक्ट में क्लास 10th में पढ़े, इस वजह से हम लोग यहाँ पर पढ़े। सर इथेनॉल के लास्ट में भी तो हो जाता है। तो वो भी हमारे पास बेस है, ठीक है जी, वो भी हमारे पास बेस है। चलिए बात करते हैं हम लोग, तो बेस आर दोस केमिकल सब्सटेंस व्हिच हैव अ बिटर टेस्ट, नॉर्मल जितने भी बेस होते हैं चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। तो बेस एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, बेस के बारे में हम बात करें तो ये क्या करता है, बेस एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है दैट न्यूट्रलाइज द एसिड, जो किसी भी एसिड को यहाँ पर क्या कर देता है बच्चों, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। नॉर्मली जितने भी हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स होती है वो बेस है, हमारे पास जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं वो भी बेस होते हैं, ठीक है जी, ये सब बेस होते हैं हमारे पास, मेटल ऑक्साइड भी हमारे पास बेस होते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, बेस होते हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो मेटल कार्बोनेट होते हैं वो भी हमारे पास बेस ही कहलाते हैं, मेटल कार्बोनेट ये भी बेस है, और मेटल
हाइड्रोजन कार्बोनेट DBSO, लेकिन हमें पढ़ने हैं सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड वाले को जिनके लास्ट में OH होता है, जिनके लास्ट में OH होता है, क्योंकि यही वाले बेस आपके एल्कलाइन कहलाते हैं, एल्कली होती है जो डिजोल्व हो जाते हैं, जिसके एग्जांपल है हमारे पास ये। मैं लिख रहा हूँ MOH, एम यानी कि मेटल, एम यानी कि मेटल, तो मेरे पास क्या क्या देखिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH की होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH की होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑल आर द बेस, ये सारे कैसे बेस है हमारे एल्कली। अगर मैं मेटल ऑक्साइड के बारे में बात करता हूँ तो मेटल ऑक्साइड भी बेस होते हैं हमारे पास, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता दूँ, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, ये सब लोगों ने पढ़े अभी बीच में चैप्टर्स में कई बार आए हैं, तो ये सब हमारे पास क्या होते हैं बच्चों, ये भी हमारे पास बेस होते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड तो है ही हमारे पास बेस, ठीक है जी, CO है, Na2O है, MgO है, CO है, ऑल आर द मेटल ऑक्साइड्स, दैट मींस जितने मेटल ऑक्साइड्स है वो सारे के सारे यहाँ पर बेस। चलो उसके बाद जैसे हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब बेस है। अच्छा, नॉर्मली मेटल हाइड्रोक्साइड हमारे पास सारे बेस होते हैं, एक और है मेरे पास यहाँ पर जो है तो हाइड्रोक्साइड लेकिन वो मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं है, दैट इज द NH4OH, सो इट इज नॉट अ मेटल हाइड्रोक्साइड, लेकिन उसके बावजूद ये बेस है हमारा जो एल्कली है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते, ठीक है। मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल आ गया मेरे पास यहाँ पर Na2CO3, ये मेरे पास यहाँ पर मेटल कार्बोनेट है, और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी मेरे पास मेटल कार्बोनेट होता है, ठीक है। उसके अलावा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है NaHCO, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हमारे पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको एक चीज बता दूं, यही जो NaHCO3 होता है इसी को हम लोग यहाँ पर बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पर बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं, जो हम कुकिंग के अंदर यूज करते हैं, जिसको कुकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो हमारे पास हमें जिनके बारे में बात करनी है वो सिर्फ मेटल हाइड्रोक्साइड है, जिस पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, QH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, CH की ओर पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और MgOH की ओर पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे सॉल्युबल बेस है, एल्कली है, एंड मच मोर यूजफुल देन इन सॉल्युबल बेसिस, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन ओनली एक्वस, बहुत सारी रिएक्शन सिर्फ एक्वस सॉल्यूशंस में ही होती है। तो अगर हम किसी बेस के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब कि हम लोग बात कर रहे हैं जिसकी एल्कली की, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर वाटर सॉल्यूबल बेस के बारे में, ठीक है। फिलहाल अगर मैं बेस बोलूंगा तो समझ जाना वो एल्कली है, यानी वाटर सॉल्यूबल बेस है, उनका सॉल्ट से बोले जाते हैं, तो वेदर वी कॉल इट इज अ बेस और एन एल्कली, इट विल मीन द सेम थिंग, ठीक है।